हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक बार फिर से DRDO CEPTAM 09 एडमिनिस्ट्रेटिव जो का आपका एग्ज़ाम हुआ था ANA वाला, उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कब तक जो है आपका जो DRDO CEPTAM 09 ANA वाला है उसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे डिपार्टमेंटल भर्ती क्यों ना हो, हम आपके लिए लेकर आते हैं सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों का नोटिफिकेशन का वीडियो स्मार्ट नौकरी चैनल पे। और यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको विस्तार से समझा के बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं वेल एजुकेटेड टीचर्स एंड एक्सपीरियंस्ड। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस हमने इसलिए रखा है क्योंकि आपके लिए जो है स्पेशल चीज़ क्या है कि अनुभव से आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। जो टीचर ऑलरेडी 2 से 3 बार जो एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है, उन्हें ज़्यादा अनुभव रहता है कि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है स्मार्ट नौकरी चैनल पे। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर के लिए भी हमने लाइव जो है आते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो हमें उस समय जो है सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर ना करते हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा। अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज पिछले कुछ समय से, तो ये समय जो यही क्वेश्चन है वो किसी भी वीडियो पे जो है स्टूडेंट्स जो है एक ही क्वेश्चन करते हैं, सर DRDO के बारे में बताइए CEPTAM 09 का कब तक उसका रिजल्ट आएगा, सर कब तक आएगा। मतलब ये एक ही क्वेश्चन जो है आपके मन में बार बार आ रहा है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले चीज़ थोड़ा इस विस्तार से बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ कि DRDO में आपको पता होगा कि पहले तो आपका हुआ था टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 351 पोस्ट, उसके बाद आपका आया ANA वाला, और उसके बाद जो भी आया है ऑलरेडी MTS 1817 पोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा तो इसमें है। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी टेक्नीशियन का ही रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ है। जी हाँ, ना ही उसका आंसर की आया है, ना ही उसका रिज़ल्ट आया है। तो अभी फ़िलहाल पूरा जो प्रोसेस है वो टेक्नीशियन को लेकर है, लेकिन इसका जो अपडेट है वो ये है कि टेक्नीशियन वालों का जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट जनवरी में है, और जो ANA वाला है आपका एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, तो ये जो आपका रिजल्ट है ये दोस्तों जो अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई श्योर नहीं, ये एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड जो मान के चला जा रहा है वो है आपका फेब्रुवरी में। जी हाँ दोस्तों, 5 महीने से पहले आपका जो है ANA वाले का रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो एक एक्सपेक्टेड डेट है कि फरवरी महीने के आसपास में जो है आपका रिजल्ट जारी कर देगा DRDO CEPTAM 09 एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिव वाला। तो ये एडमिन वाला जो है रिजल्ट आप तब तक प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि फरवरी तक, क्योंकि जनवरी में ही आपका जो है टेक्नीशियन वालों का ही रिजल्ट आएगा, अभी उसकी भी अपडेट नहीं आई है। अब दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी क्योंकि आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। कोई भी ऑफिशियली अपडेट किसी के पास नहीं है दोस्तों, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कहीं पर भी किसी भी पास, क्योंकि किसी के पास भी कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ तभी आएगी जब तक वो ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट होगा। तो दोस्तों अब तक का जो है मतलब आज के डेट में यानी 21 दिसंबर तक के डेट में यही अभी तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो अभी तक की अपडेट है कि आपका जो रिजल्ट है ये ए वाला यानी एडमिन इसका फरवरी महीने में ही रिजल्ट आने की संभावना है, ये एक्सपेक्टेड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। बट कुछ डाउट्स है, कुछ वीडियो पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।